मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हॉट सीटों में शुमार। सुर्खी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है, तो वहीं इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सिंधिया कैंप के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने राज्य की सियासत में नया अध्याय लिख दिया है। यही वजह है कि प्रदेश भर में कभी एक दूसरे के विरोध में झंडा बुलंद करने वाले दिग्गज आज एक दूसरे की जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। सागर की सुर्खी सीट का भी यही हाल है, जहां सिंधिया कैंप के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद से क्षेत्र के एक अन्य दिग्गज भाजपा नेता राजेंद्र सिंह की नाराजगी की खबरें सियासी फिजा में तैरने लगी। मगर आज दोनों नेता कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में एक मंच पर नजर आए। इस दौरान मंच से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम शिवराज के सम्मान में जमकर कसीदे पढ़े। क्योंकि किसान परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति किसान का घर समझता है। आज आपकी फसलें अधिकांश लोगों की सोयाबीन की फसलें खराब हो गई, हुई के नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान जी से हमने कहा कि साहब सुर्खी विधानसभा में किसानों की फसलें खराब हो गई। उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर सर्वे कराओ, तो सर्वे आपका हो चुका है। सर्वे के बाद सारे किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा देंगे, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। ये शिवराज सिंह चौहान है जिन्हें पता है पहले बच्चियां होती थी तो बच्ची का होना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता था। कावा उनका कि तुम मोड़ी भाई सास करी मोड़ी तो सारे चलो कारे मोड़ी भाई यार वो क्या करे। पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा नहीं, बच्ची तो होगी पर बच्ची लाडली लक्ष्मी कहलाएगी। और बच्ची पैदा होती है शिवराज सिंह मामा की तरफ से 1,25,000 रुपए का चेक बच्ची को आ जाता है कि चिंता नहीं करना, पढ़ाई लिखाई सारी के लिए शिवराज सिंह मामा ने दे दी 1,25,000 का चेक। इस शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा की सोच है कि जो वृद्ध होते हैं पहले वृद्धों के लिए तीन यात्रा करने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन तीन यात्रा घर के मोड़ मोड़ करा दी गई है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा नहीं, अब तीन यात्रा घर का बच्चा कराए तो कराए, नहीं तो शिवराज सिंह सबके लिए ट्रेन फ्री भेजेगी, तो ट्रेन में आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, दर्शन फ्री, शिवराज सिंह चौहान की। और सबसे खुशी की बात है सारे किसानों को पता होगा, आज मैं जो बात बना रहा हूँ वो सारे किसान सुनने के पहले एक बार पूरे ताली मारो, क्योंकि सारे किसानों को मैंने देता था 6,000 रुपया, नरेंद्र मोदी भेजते थे 6,000, अब शिवराज सिंह ने डाल दिया है 4,000 को, अब मिलेगा आपको कितना 10,000। ये 10,000 रुपया 6,000 नरेंद्र मोदी जी की और 4,000 शिवराज सिंह जी की तरफ से 10,000 रुपया किसानों को सम्मान निधि के रूप में आज से ही डालना शुरू हो गया है। आज सुबह से ही एक बटन दबाया शिवराज सिंह चौहान जी ने और किसानों के खाते में अधिकांश के पैसा जमा हो गया, तो धीरे 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 महीने भर में सबके खातों में पैसा आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने क्यों कही कि इसलिए कही मैंने इस अच्छा है कि मोगलपुर के और मोगलपुर के आसपास जितने लोग बैठे हैं इनसे समझ हम पहले ले लेते और पहले भाजपा में आ जाते तो अच्छा रहता। ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी कहती है पर कहने का तरीका अलग है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग। अब देखिए गरीब रेखा में बहुत सारे लोगों के नाम कट गए, पर हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने कलेक्टर से कहा गांव गांव में हर पंचायत में
जिनके गरीबी रेखाएं काट नाम कट गए हैं उनके नाम जोड़े गए। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनकी राशन पर्ची कट गई, राशन पर्ची कटने से उनको राशन नहीं मिलता, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर आदमी की राशन पर्ची जोड़ो। मध्य प्रदेश में 37 लाख परिवारों को राशन पर्ची जुड़ना शुरू हो गया है। मोकलपुर में भी एक भी व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसका नाम राशन पर्ची कट गया हो, उसका नाम जोड़ा जाएगा। ये अधिकारियों को निर्देश दे दिए। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुर्खी के विकास के लिए बीजेपी को जिताना जरूरी है। देखिए, सुर्खी शुरू से हमारा कार्य क्षेत्र रहा है और सुर्खी का हमेशा जीवन में ऋणी रहूँगा। सुर्खी का कर्ज मेरे ऊपर है, जब जैसा अवसर मिलता चुकाने की कोशिश करते हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसके लिए हम सब लोग आए। देखिए, चुनाव की रणनीति जनता के बीच में जाना, संपर्क करना, और जो माननीय स्वराज जी ने पिछले 5 माह में निर्णय जनता के हित में लिए हैं, माननीय मोदी जी ने जो देश में जनता के हित में काम किए हैं, वो लोगों तक पहुंचाना और अपील करना कि विकास के लिए, सुर्खी क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। तो वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, सभी मिलकर क्षेत्र की विकास के लिए काम करेंगे। ये कोई बुराई नहीं थी, ये तो सब सहयोग होता है और जब ऊपर वाले को जब आदेश होता है सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और आज से सब कोई बात थी ही नहीं, हल्की फुल्की बात सब खत्म है और हम सब लोग एक हैं विकास के लिए, क्षेत्र के लिए और गांव के, हर गांव के काम के लिए सब लोग एक हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में सबके केंद्र में रहे भाजपा नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि गोविंद जी हमारी पार्टी में आए, इस वजह से वो अब हमारे हैं, पार्टी जो तय करेगी वो काम हम करेंगे। वो हमारी पार्टी में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी ने जो पार्टी ने जो लाइन दी है उस पर काम करना है। गोविंद मुझसे उम्र में वैसे भी छोटे हैं, हम सब कांग्रेस में एक साथ थे, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। दरअसल इस सीट से पूर्व में विधायक रही पारुल साहू के बीजेपी से कांग्रेस में जाने के बाद यहां का मुकाबला कड़ा हो गया है। यही वजह है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत अन्य भाजपा नेताओं ने यहां अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सागर।